हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडी। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ NMMS गुजरात का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ हो चुका है। सो आपको क्या करना है, कैसे फिल करना है, किस तरीके से रजिस्टर करना है, कैसे सारे प्रोसेस कंप्लीट करना है, मैं वो सब आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। देन आपको वहाँ पर google.com ओपन करना है। फिर आपको वहाँ पर सर्च कर लेना है NMMS गुजरात 2022 IAS पेपर। IAS पेपर एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जिससे कि आपको NMMS गुजरात से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स और नोटिफिकेशन रहेंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाते हैं। सो सर्च कर लेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं IAS पेपर .net ओपन हो चुका है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज। सो इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते आप देख सकते हैं आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो चुका है IAS पेपर। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं NMMS गुजरात 2022 एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज। फॉर्म जो है रिलीज़ हो चुके हैं NMMS गुजरात 2022 एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बिन रिलीज ऑन 11th October 2022। सो 11th October 2022 को एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुकी है एंड विल बी क्लोजिंग इन 5th November। 5th November को क्लोज हो जाएगा। सो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ, सब ये फॉर्म फिल कर लेना है। यहाँ पे आपको आपका फुल नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, सिलेक्टेड करंट स्टेट, आप जिस भी स्टेट से हो वो स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हरियाणा, गोवा, कर्नाटका, केरला, जिस भी स्टेट से हो स्टेट सिलेक्ट करना है। देन आपको आपकी करंट सिटी सिलेक्ट करनी है। करंट सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्टेड कोर्स कैटेगरी इंटरेस्टेड नहीं, आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो जैसे कि लॉ, मीडिया, जर्नलिज्म, साइंस, वो एक सिलेक्ट करना है। देन आपको आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करने के बाद आपको गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि NMMS गुजरात से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स और नोटिफिकेशन रहेंगे वो आपको आपके ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट SMS कर दी जाएंगे। सो प्लीज़ आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं NMMS गुजरात 2022 एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज। फॉर्म जो है रिलीज़ हो चुका है। सो एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बिन रिलीज। सो अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं आपके सामने न्यू पेज ओपन हो रहा है। आप देख सकते हैं पेज ओपन हो चुका है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड गांधीनगर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइज नंबर। सो यहाँ पे एडवर्टाइज नंबर है देख सकते हैं। देन टाइटल नेशनल मीन्स क्यों मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टैंडर्ड 8। लास्ट डेट 5 November 2022। हाउ टू अप्लाई, नोटिफिकेशन अप्लाई। सो आप देख सकते हैं अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। अप्लाई पे क्लिक करते देख सकते हैं आपके सामने जो वो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। सो यहाँ पे आपको स्टूडेंट UDIS ये नंबर होता है। सो वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है, टाइप करना है। इतना करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ओके, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, वो आपके सामने आ जाएगा। सो मैं आपको बताती हूँ कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। सो इस पे जाएंगे। सो आप देख सकते हैं कैसे अप्लाई करना है, उसका पेज ओपन हो चुका है। सो यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है अप्लाई करने के लिए, अप्लाई पे क्लिक करें। देन मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे आपका जो आपको एंटर करना है स्टूडेंट UDIS नंबर जो भी रहेगा वो करना है। देन आपको सबमिट कर दे। सबमिट करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट। सो आपको यहाँ पे आपका जो अभी नंबर बताया था स्टूडेंट UDIS नंबर, देन आपको आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपके मदर का नेम, देन आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, फिर कैटेगरी, आपको जो भी जिस भी कैटेगरी में लेना वो कैटेगरी सिलेक्ट करना है, और देन आपको एरिया इन विच कैंडिडेट रिसर्च, किस एरिए से वो करना है। देन डिसबिलिटी स्टेट्स, आप स्टेटस डालना है, एड्रेस आपका डिस्ट्रिक्ट, तालुका, पिन कोड, देन स्कूल एड्रेस इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आर यू स्टूडेंट ऑफ ओपन लर्निंग डिस्टेंस, अगर है तो यस, नहीं तो नो, आप जो भी। आर यू स्टूडेंट ऑन केंद्रीय विद्यालय ऑफ नवोदय विद्यालय, सो जो भी जिसमें से भी आपको यस और नो पे क्लिक कर लेना है। देन आपका नेम, द एड्रेस ऑफ स्कूल, इंस्टीट्यूट, देन आपको यहाँ पे आपका स्कूल DIS नंबर डालना है। देन चेंज स्कूल का भी ऑप्शन है, सो यहाँ पे नंबर डालना है, यहाँ पे स्कूल नेम, यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट, तालुका, कल्चर, विलेज, देन आपको स्कूल इंस्टीट्यूट एड्रेस, आपका गवर्नमेंट आई डेट क्या है, पिन कोड, और एरिया इन विज
लोकेटेड कौन से एरिया में आपका स्कूल लोकेटेड है, देन आपका अदर इन्फॉर्मेशन, एग्जामिनेशन मीडिया एट स्टेट लेवल ये डाल लेना है, देन आपको एट ने सो आपको ये सब फिल कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं फैमिली इन्फॉर्मेशन में फादर एजुकेशन, फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स एजुकेशन, मदर्स ऑक्यूपेशन, देन आपको आपके फैमिली मेम्बर्स लिविंग इन द हाउस वो डाल लेना है, द नंबर ऑफ ब्रदर्स, नंबर ऑफ सिस्टर्स, एट वॉट इज द कैंडिडेट अमॉन्ग हिज हर ब्रदर एंड सिस्टर्स, कितने आपके सिस्टर्स हैं, कितने भाई बहन हैं, वो सब यहाँ पे डाल लेना है। देन आपको यहाँ पे आपका पेरेंटल एनुअल इनकम डाल लेना है, जो भी आपकी इनकम है वो। देन आपको आपको कॉन्टैक्ट नंबर, ये एसटीडी कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, इतना करके आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, सो ये आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, यहाँ पे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सो आपको यहाँ पे आपका स्टूडेंट यूडीआईज नंबर, आपका नेम, आपका मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम, देन आपको यहाँ पे आपका फ़ोटो अपलोड करना है और यहाँ पे आपको आपका सिग्नेचर, देन इतना करने के बाद अपलोड करके कन्फर्म एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। सो कन्फर्म एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, देन आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर सबमिट कर देना है आपको। सबमिट करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे आपको फिर से एप्लीकेशन नंबर डालना है, फिर आपका यूडीआईज नंबर डालना है, फिर आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, देन आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर मेल फीमेल, कैटेगरी ओबीसी एसटी जो भी हो वो, देन आपका स्कूल इन्फॉर्मेशन एड्रेस, सो स्कूल डीआईज नंबर, ये सब सबको ये सब भी फिल करना है। ये सब होने के बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म चलान का भी ऑप्शन है, सो यहाँ पे आपको आपका कन्फर्मेशन नंबर ले लेना है, जो कन्फर्मेशन नंबर है वो डालना है, देन आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। अगर आपको प्रिंट चाहिए तो आप प्रिंट एप्लीकेशन का प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ओके। सबमिट करने के बाद आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और देन अभी पे फी की बात है, तो पे आप थ्रू ऑफ प्रिंट चलान से भी करते हैं, पे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन कोड, इंटरनेट बैंकिंग, ऐसे भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको अगर कार्ड से तो आपको यहाँ पे आपका कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, ईयर और ये जो कार्ड के नेम है वो डाल लेना है, सीवीवीसी और कार्ड होल्डर नेम, इतना करने के बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेना है, सो आपका पेमेंट हो जाएगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस सैंपल चलान कॉपी है, ऐसे होते हैं। सो यही सारे इन्फॉर्मेशन है, प्रोसेस है, क्या कैसे करना है। सो अभी भी आपको कोई डाउट हो या फिर कुछ नहीं समझ में आया है, सो हाँ सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, आपका एप्लीकेशन नंबर ये है, सो आप लोग नोट करके रख ले, आफ्टर सबमिट करने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन नंबर नोट कर लेना है, सो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं एप्लीकेशन नंबर। सो ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर कुछ नहीं समझ में आया, सो एक बार डेफिनेटली कॉमेंट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सो एक बार लिंक पर जाके ज़रूर चेक करें। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।